ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बारी एक यंग लड़का था, बहुत मेहनत करता था, जगह जगह जाता था, लेकिन कभी ना कभी उसे सफलता से चूकना पड़ता था, उसे सफलता मिल नहीं पाती थी। उसका मन कमजोर होता जा रहा था, कभी अपने आप को कोसता, कभी भगवान को कोसता, कभी परिस्थितियों को कोसता, कभी लोगों को कहता कि उनकी वजह से मेरे जीवन में ये आज ऐसी सिचुएशन है कि मैं जीवन में खुशी और आनंद से नहीं रह पा रहा, मुझे सफलता नहीं मिल रही। एक दिन दोस्तों एक महात्मा के पास गया और उससे पूछा कि मैं अपने मन को शक्तिशाली कैसे बनाऊं। तो महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन एक बारी मेरे साथ चलो। तो वो व्यक्ति महात्मा के साथ चल पड़ा और महात्मा उसे रात भर लेकर गया। और उसने सवेरे हुई तो वो दोनों एक पहाड़ पर थे, पहाड़ पर शांति से बैठे हुए थे। तो महात्मा मुस्कुराते हुए सूरज को उदय होते हुए देख रहा था। उसने उस लड़के से कहा कि उस सूरज को देख रहे हो? लड़के ने कहा, जी गुरुवर, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। तो उस महात्मा ने कहा कि मुझे एक बात बताओ, यदि मैं कहूँ कि ये सूरज पूरब से ना उदय होकर पश्चिम से उदय हो तो क्या ये पॉसिबल है? तो उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। महात्मा मुस्कुराने लगा। उसने कहा, वो देखो नीचे एक नदी बह रही है, तुम्हें दिख रहा है वो नदी इस तरफ से उस तरफ बह रही है, और यदि मैं कहूँ कि इस नदी के बहाव को रोक कर हम उल्टा बहाने लग जाएं तो क्या ये संभव है? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुवर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस गुरु ने कहा, उस महात्मा ने कहा कि बेटा यही बात मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो हो गया उसकी चिंता छोड़ दो, जो चीज परिवर्तित नहीं हो सकती उसके पीछे प्रयास करना छोड़ दो, तो तुम्हारे जीवन में आधी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी चिंता का, तुम्हारी मनोस्थिति का मेजर कारण है कि तुम लोगों को बदलना चाहते हो, परिस्थितियों को बदलना चाहते हो, लेकिन भूल जाते हो कि सबसे आसान आज जीवन में है स्वयं को बदलना, स्वयं के मन को शक्तिशाली बनाना। दोस्तों महात्मा की वो बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश था। उसके मन में पहला मंत्र बैठ चुका था कि जब दुनिया और लोगों को हम नहीं बदल सकते तो सबसे अति आवश्यक है स्वयं को शक्तिशाली बनाना, स्वयं को बदलना। दोस्तों महात्मा ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि बेटा दूसरा मंत्र सदा ध्यान रखो कि लोगों से अति अधिक उम्मीद मत रखो। हमारे मेजर दुख का कारण, हमारी अधिक परेशानियों का कारण कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोगों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से अत्यधिक उम्मीद रख लेते हैं। दोस्तों अधिक उम्मीद रखना कभी कभी जीवन में अधिक निराशा का भी कारण बन जाता है, कभी कभी हमारे जीवन में हताशा का भी कारण बन जाता है। इसलिए सदा ध्यान रखो, जब परमात्मिक शक्ति से तुम्हारा कनेक्शन है, जब परमात्मिक प्यार तुम्हारे जीवन में है, जब तुम्हारे जीवन में लगन है, जब तुम्हारे जीवन में एकाग्रता है, तो वो लगन, वो एकाग्रता, वो प्रेम स्वतः ही प्रकृति और लोगों और परिस्थितियों को तुम्हारे अनुसार परिवर्तित कर देता है और सफलता को तुम्हारे पास लेकर आता है। इसलिए एक शक्तिशाली मन के लिए अत्यधिक उम्मीद रखना वो बहुत 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 नुकसानकारक हो जाता है। उम्मीद रखो केवल अपने आप से, परमात्मा से, और अपनी मनोशक्ति पर सदा विश्वास रखो। दोस्तों तीसरी बात उस महात्मा ने, उस गुरु ने उस यंग लड़के को बताते हुए बहुत सुंदर रूप से कहा कि अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने डर और अपने संशय, अपने डाउट्स को सदा सदा के लिए समाप्त करो। ध्यान रखो कि जीवन में जब भी आगे बढ़ते हो तो कोई भी स्टेप आगे लेने से पहले, कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में हमेशा एक रिस्क होता है, हमेशा आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं असफलता का भय जरूर आता है। लेकिन ध्यान रखो, यदि असफलता का भय और वो चिंता तुम्हारे मन को घेर लेती है तो तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय पर तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, और तुम आगे नहीं बढ़ पाते, तुम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए सदा आगे बढ़ने के लिए और अपने शक्तिशाली मन बनाने के लिए अपने डर को सदा सदा के लिए समाप्त रखो, अपने जीवन में पावरफुल तरीके से आगे बढ़ते चले जाओ। दोस्तों चौथी बात मुस्कुराते हुए उस महात्मा ने बोली कि एक अद्भुत बात बेटा तुम्हें समझाता हूँ। उसने कहा, बताइए। उसने कहा, आज के मानव का कमजोर मन होने का एक मुख्य और एक पावरफुल कारण देखा गया है कि मानव अपने आप को कभी कभी बहुत कोसता है, अपने लिए बहुत बुरा बोलता है, और अगर आज देखा जाए तो असफलता का मूल मूल कारण है स्वयं को अभिशाप देना, स्वयं के लिए नेगेटिव बोलना, स्वयं को हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से नेगेटिव रूप से देखना। उस महात्मा ने कहा कि स्वप्न में भी, संकल्पों में भी अपने लिए बुरी रचना कभी भी मत रचो,
क्योंकि शब्दों में और भावनाओं में शक्ति होती है। जिस प्रकार के संकल्प और जिस प्रकार के शब्द हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, वो हमारे मन को भी प्रोग्राम करते हैं, हमारी जिंदगी को भी प्रोग्राम करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारी सफलता और असफलता को भी निर्धारित करते हैं। इसलिए कभी भी अपने लिए व्यर्थ नेगेटिव और नकारात्मक संकल्प कभी मत रखो। ये एक मूल कारण है जो हमारे मन को कमजोर बनाता है। और दोस्तों, आखिरी और पांचवी बात बताते हुए उस महात्मा ने कहा कि बेटा, यदि जीवन में सफलता चाहते हो, यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, यदि जीवन में अपने मन को शक्तिशाली और स्थिर और स्टेबल बनाना चाहते हो, तो कभी भी अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो। तुम्हारा समय, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी श्वास तुम्हारे सबसे पावरफुल ट्रेजर है। समय तुम्हारा है, लेकिन समय को तुम कभी रोक नहीं सकते, समय का तुम सदुपयोग कर सकते हो। इसलिए अपने समय को कभी भी व्यर्थ नेगेटिव बातों पर चिंतन पर, लोगों को एनालाइज करते हुए, लोगों के ऊपर जजमेंट पास करते हुए ये कभी भी मत दो। हर व्यक्ति की बात सुनो, हर व्यक्ति के भावनाओं को समझो, हर व्यक्ति के एटीट्यूड को समझो, लेकिन अपने मन को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए कभी भी उस नेगेटिव बातों में अपने समय और अपने संकल्पों को खराब मत करो। दोस्तों, उस यंग नवयुवक को महामंत्र मिल चुके थे अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। उस महात्मा ने कहा कि बेटा, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। सफलता एक श्रेष्ठ और शक्तिशाली मन की कल्पना है, उसकी रचना है। यदि तुम्हारा मन सदा सकारात्मक और पावरफुल है, तो दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से, दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हें जो अचीव करना चाहते हो उसे पाने से रोक नहीं सकती। केवल श्रेष्ठ संकल्प और समय को यूज करते हुए अपनी सफलता को अचीव करो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे चैलेंजेस और परिस्थितियां आती हैं जब लोग और परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन बीती का चिंतन जब हम करते हैं तो हमारी चिंता जो है हमारे समय को खराब करती है और हम अपने मन को स्टेबल नहीं रख पाते। अति अधिक लोगों से उम्मीद रखना भी हमारे मन को इम्बैलेंस करता है और कहीं ना कहीं हमारा मन परेशान हो जाता है। कभी कभी भविष्य की डर और चिंता हमारे मन को अनस्टेबल करती है और हम अपने सोचने और समझने की शक्ति को समाप्त कर देते हैं, निर्णय करने की शक्ति को भी समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, कभी कभी स्वयं को कोसना, स्वयं को दोष देना कि मेरी वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। दोस्तों, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं हमारे भविष्य की रचना करती हैं और कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुँचाती है। और दोस्तों, अगर नेगेटिव और व्यर्थ बातों का चिंतन करते हैं तो ये बातें भी हमारी ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं, हमारे मन को कमज़ोर कर देती हैं। यदि आज आप शक्तिशाली जीवन चाहते हैं दोस्तों, तो इन पांचों बातों को पर ध्यान दें, इनसे मुक्ति पाएं। एक श्रेष्ठ और शक्तिशाली जीवन, एक पावरफुल मन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो स्वयं आपके जीवन में एक अद्भुत सफलता दिलवाने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। शुक्रिया दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों, 3T सीरीज के माध्यम से ऐसी ही छोटी छोटी मजेदार बातें जो हमारे मन हमारे जीवन को ही परिवर्तित कर दें, वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। और यदि ये बातें आपको अच्छी लगती हैं या कुछ ऐसी बातें आपके पास है तो हमें लिख कर भेजिए। दोस्तों, हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे, आपकी बातों को सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, ओम शांति।